हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इस ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे अपनी स्टूडेंट आईडी से गूगल मीट ऐप द्वारा आप ऑनलाइन लेक्चर कैसे अटेंड कर सकते हैं। अगर आपने आपके स्मार्टफोन या टैबलेट में अपनी स्टूडेंट आईडी से लॉगिन नहीं किया है और गूगल मीट ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो पहले आप लॉगिन कर लीजिए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। अगर आप ये दोनों स्टेप्स कर चुके हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। पहले गूगल मीट ऐप ओपन कीजिए। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो मेन्यू बटन है उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ आपको आपकी स्टूडेंट आईडी नज़र आनी चाहिए। अगर नहीं नज़र आ रही है तो ये डाउन एरो पे आप क्लिक करके इस लिस्ट में से आपकी आईडी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरी स्टूडेंट आईडी ऑलरेडी नज़र आ रही है तो मुझे कोई स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पीछे आ सकता हूँ। अब मान लो अगर आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में हैं तो आपका मीटिंग कोड होगा 5। अगर आप फर्स्ट में हैं तो आपका मीटिंग कोड होगा 1। अगर सेकंड में हैं तो 2। अगर थर्ड में हैं तो 3। फोर्थ में 4। इस प्रकार से फर्स्ट टू टेंथ जो भी आपकी क्लास है उस क्लास का मीटिंग कोड होगा उस नंबर का डिजिट। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड का 1, सेकंड का 2, थर्ड का 3, फोर्थ का 4, 5 का 5। इस पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड की मीटिंग से कनेक्ट होकर आपको बताता हूँ। फिफ्थ स्टैंडर्ड में बच्चा है तो आप 5 यहाँ टाइप करेंगे और आप ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करेंगे। अब आप मीटिंग में कनेक्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैं एक दूसरी आईडी से कनेक्टेड हूँ। आपकी स्क्रीन में आपको एक यहाँ लिस्ट आती है स्टूडेंट्स की, जो आपके साथ अलग पार्टिसिपेंट्स जो दूसरे हैं जो हैं जो अटेंड कर रहे हैं लेक्चर आपके साथ में। यहाँ आपका चैट बॉक्स है जहाँ पे आप टीचर को कोई आंसर लिख के या कोई क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं लेक्चर के दौरान। और ये थर्ड स्क्रीन है जो ये मीटिंग डिटेल्स हैं इस प्रकार से। अब आपको टीचर जब आप लॉगिन करते हैं तो टीचर आपको हमेशा कहेंगे कि आपने आपका माइक्रोफोन म्यूट रखना है। वो इसलिए है जब टीचर बात कर रहे हैं तो क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस ना हो, इस वजह से आपको आपका माइक्रोफोन हमेशा म्यूट ही रखना है इस प्रकार से। अगर आप अपना माइक्रोफोन किस कारणवश अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ क्लिक करके अपना माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं आपका माइक्रोफोन ऑन है तो यहाँ पे एक ग्रीन वेव का पैटर्न आ रहा है आपके नाम के बगल में। अगर आप आपका कैमरा बंद करना चाहते हैं तो इस बटन से बंद कर सकते हैं। अगर शुरू करना चाहते हैं तो वापस स्क्रीन पर टैप कीजिए, इस बटन पर क्लिक कीजिए, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कॉल एंड करना चाहते हैं तो ये थर्ड बटन बीच में जो है इस पर क्लिक कर सकते हैं और कॉल एंड हो जाएगी। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ, अगर आप अपनी पर्सनल आईडी यूज़ कर रहे हैं तो आप मीटिंग नहीं ज्वाइन कर सकते। यहाँ जो दूसरा मेरा कंप्यूटर है इस पर फिफ्थ स्टैंडर्ड का क्लास ऑलरेडी चल रहा है। मैं मेन्यू बटन पर क्लिक करके अपनी पर्सनल आईडी सेलेक्ट करता हूँ। मेरी पर्सनल आईडी सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं मीटिंग कोड पर क्लिक करके यहाँ पे 5 टाइप करता हूँ और ज्वाइन मीटिंग करता हूँ तो ये नो सच मीटिंग का एरर मुझे मिलता है। ये स्कूल के सिक्योरिटी रीजंस की वजह से है। अगर आप अपनी स्टूडेंट आईडी यूज़ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तभी ही आप ऑनलाइन लेक्चर यूज़ कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे अब मैं मेरी स्टूडेंट आईडी दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और मैं एंटर मीटिंग कोड पर जाके दोबारा से 5 टाइप करके ज्वाइन मीटिंग करता हूँ। मैं दोबारा कनेक्ट हो चुका हूँ। तो आई होप ये डेमोन्स्ट्रेशन से आपको गूगल मीट ऐप कैसे यूज़ करना है समझ गया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है इस बारे में तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं एंड वील बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विथ योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।